हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी आईआईटी जैन असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर नेट एसआरएफ गेट किसी भी तरह के मैथमेटिक्स से रिलेटेड इंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जो है इन सभी कंपटीशन एग्जामों में मैथ में से पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ एक्स टू द पावर एन ए टू द पावर एन प्लस वाई टू द पावर एन अपॉन बी टू द पावर एन इक्वल टू सी इज। तो इसको सॉल्व करना है हमें, तो इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होगा। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं, ये हमारे पास एक्स टू द पावर एन अपॉन ए टू द पावर एन प्लस वाई टू द पावर एन अपॉन बी टू द पावर एन इक्वल टू सी। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन ए एन, और प्लस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा एन वाई टू द पावर एन माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स एंड बी की पावर एन इधर ही है इक्वल टू जीरो। अब फ्रेंड्स, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए क्या करते हैं, हम डी वाई अपॉन डी एक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। नाउ रिप्लेस डी वाई अपॉन डी एक्स बाई माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। तो इससे रिप्लेस कर देते हैं, इससे रिप्लेस करने से हमारे पास आ जाएगा, इस इक्वेशन को रिप्लेस करते हैं, इक्वेशन नंबर वन इसको रिप्लेस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन, यहां पे लिखना चाहे तो ये हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन ए टू द पावर एन प्लस एन, अगर चाहे तो हम एन को कॉमन लेके फ्रेंड्स उधर भी काट सकते हैं इसको, तो एन को हम यहां से हटाई देते हैं क्योंकि एन को अगर कॉमन ले रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया हमारे पास, अब ये हो गया, एन को लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया वाई टू द पावर एन माइनस वन अपॉन b टू द पावर n। अब dy वाई अपॉन डी एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से, तो यहां पे माइनस का साइन आ जाएगा और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई। अब फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है इक्वल टू जीरो, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इस साइड इसको इधर ले जाएंगे, इस टर्म को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन ए टू द पावर एन इक्वल टू y टू द पावर n माइनस वन अपॉन b टू द पावर n डी एक्स अपॉन डी वाई। तो अब इसको मैं अगर मैं यहां से डी वाई के टर्म को इधर ले जाना चाहूं तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई, यानी पहले तो इस y की पावर n माइनस वन को नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, वन अपॉन y n माइनस वन और बी एन को यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी बी एन को इधर वाई एन माइनस वन को इधर और डी वाई, ये जो डी वाई नीचे था इसको इधर ले गए इक्वल टू सेम इधर किया, यहाँ पे हम नीचे एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन ये ए टू द पावर एन ऑफ डी एक्स, ये हो गया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए फ्रेंड्स हमारे पास सबसे पहली कंडीशन है, हमारे पास ये कंडीशन जो इस इक्वेशन में नहीं थी वो देनी चाहिए थी वाई एन माइनस वन नॉट एन माइनस वन नॉट इक्वल टू वन, या एक है एन नॉट इक्वल टू टू, तब ये केस ट्रू है, यानी एन नॉट इक्वल टू टू ये हमारे पास होना चाहिए, एन इक्वल टू टू होगा तो उस कंडीशन में जो इंटीग्रेशन होगा वो लॉग में पहुंच जाएगा। अब ये हमारे पास यहां से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ वाई टू द पावर कुछ नंबर है माइनस सपोज वाई टू द पावर एन है, उसका इंटीग्रेशन कर देते तो y टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये इंटीग्रेशन होता है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम y टू द पावर माइनस n प्लस वन, क्योंकि y ये हमारे पास हो गया y टू द पावर माइनस n प्लस वन और बी एन आगे डी वाई इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास ए एन एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस वन ऑफ डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास
बी एन, और इसका देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास y टू द पावर माइनस एन प्लस वन, ये y टू द पावर माइनस एन प्लस वन, प्लस वन प्लस वन हो जाएगा प्लस टू अपॉन एन प्लस टू, ये हो गया इक्वल टू ए टू द पावर एन, सॉरी यहां पे अगर यहां पे देखेंगे तो एन प्लस टू, एन पहले क्या था माइनस एन प्लस वन प्लस वन, तो माइनस एन प्लस टू, माइनस एन प्लस टू इस तरह से ए एन, और इसका क्या था एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस वन, दो भैया यही, और इसका भी प्लस वन, यहाँ पे टू अपॉन माइनस एन प्लस टू, ये हो गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स अगर हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो पहले सिमिलरली पहले जैसे कर रखते ये कर सकते हैं डी वाई अपॉन माइनस एन प्लस टू से एन प्लस टू प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है तो कोई कॉन्स्टेंट भी जुड़ेगा, अगर हम दोनों तरफ एन प्लस टू माइनस एन प्लस टू का मल्टीप्लाई कर दें तो उस कंडीशन में हमारे पास ये तो हमारे पास है ही बी बाई बी एन, सॉरी ये बी एन है बी एन, और ये हो गया बाई टू दी पावर माइनस एन प्लस टू, अगर इसको नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा एन माइनस टू इक्वल टू ए टू दी पावर एन अपॉन, इसको नीचे लाएंगे तो हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन माइनस टू, और प्लस सी में अगर मल्टीप्लाई कर दें माइनस एन प्लस टू का, इसका मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास, तो यहां से इसकी जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आई हमारे पास वो आई हमारे पास बी एन अपॉन वाई टू द पावर एन माइनस टू माइनस ए एन अपॉन एक्स टू द पावर एन माइनस टू इक्वल टू, ये जो है एक अलग से कॉन्स्टेंट हो जाएगा सी डॉट माइनस एन प्लस टू, तो इसको हम अलग से कॉन्स्टेंट दे देते हैं ए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम और भी एग्जांपल इसके लेंगे, जिनमें जैसे क्वेश्चन हमारे पास सिंपली पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो मैथमेटिक्स में किसी भी नेट का हो गेट का हो या फिर आपके बीएससी एमएससी में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।